भारत में कोरोना संकट के चलते थाईलैंड के बौद्ध भिक्षु तथा उपासकों ने मदद की पहल की है। इसमें थाईलैंड की प्रसिद्ध उद्योजिका रोजाना वैनिश कामले ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुनिया में भारत की पहचान बुद्ध भूमि के रूप में है और इसके चलते अब बौद्ध देशों की जनता भारत की मदद के लिए सामने आ रही है। भंते अजाहन जयासारो इनके अपील पर थाईलैंड के बौद्ध उपासक उपासकों द्वारा डॉक्टर हर्षदीप कामले IAS तथा उनकी वाइफ रोजाना वैनिश कामले थाईलैंड की प्रख्यात उद्योजिका के माध्यम से भारत के लिए 200 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर एम्बुलेंस तथा वेंटिलेटर का दान किया गया है। डॉक्टर हर्षदीप कामले एवं उनके मित्र परिवार ने भी इसके लिए अपना सहयोग दिया है। इसके अतिरिक्त भारत के इस कोरोना विरुद्ध लड़ाई में थाईलैंड के पूज्य भदंत जयसारो एवं उनके उपासक तथा वैनिश मैडम जहां बौद्ध स्थल है जैसे बोधगया, राजगीर, नालंदा, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, नागपुर, औरंगाबाद के बुद्ध विहारों तथा हॉस्पिटल्स को एम्बुलेंस का दान देने वाले हैं। दान पारमिता की इसी क्रम में आज दिनांक 29 मई 2021 को नागपुर के विभागीय आयुक्त कार्यालय में नागपुर जिले के लिए 50 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का वितरण हुआ। नागपुर जिले के पालक मंत्री तथा ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत इनके हस्ते नागपुर के विभागीय आयुक्त डॉक्टर संजीव कुमार को यह कॉन्सेंट्रेटर सुपुर्द किए गए। कोरोना संकट के इस समय में कई देश आगे आए हैं, में ही थाईलैंड देश के बौद्ध उपासक तथा उपासिकाओं ने भारत के लिए 200 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 25 एम्बुलेंस तथा 25 वेंटिलेटर्स देने दिया है। इसके तहत आज नागपुर में डॉक्टर हर्षदीप कामले जो उद्योग कमिश्नर हैं और उनकी वाइफ रोजाना वैनिश कामले, इनके प्रयासों से जो थाईलैंड के भंते जी है अजाहन जयसारो, इनके माध्यम से आज नागपुर में 50 कॉन्सेंट्रेटर आए हैं और बाकी जो कॉन्सेंट्रेटर या एम्बुलेंस है वो भी जल्दी आएंगे और भारत के अलग अलग प्रांतों में उसे वितरित किया जाएगा। तो आज हमारे बीच में माननीय डॉक्टर नितिन राउत साहब हैं जो ऊर्जा मंत्री भी हैं और नागपुर के पालक मंत्री भी हैं, भंते विनय गुप्ता जी हैं, साथ साथ हमारे विधायक और डिविजन कमिश्नर साहब भी हैं। तो आप सबका स्वागत है और अभिवादन शीलिशं वर्णापचार्य चत्वारो धम्म वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं सदा आयुरारोग्य संपत्ति सर्ग संपत्ति देव च अतो निर्वाण संपत्ति इमिनाते सवि चतु साधु साधु। हमारे उद्योग विभाग के सम्माननीय प्रधान सचिव डॉक्टर हर्षदीप कामले और उनकी सुविधा पत्नी, इन्होंने थाईलैंड से यह जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मंगाया और कुछ एम्बुलेंसेस मंगाई है और वे उसको आज जो वितरित कर रहे हैं वहाँ पर, इसके लिए सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारे बीच जो बहुत विक्षु यहाँ पर उपस्थित हुए हैं विशेष रूप से कि वो इसको सभी लोगों के लिए नागपुर के हमारे अस्पताल है वहाँ के पेशेंट्स जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और मानव प्रजाति का रक्षण हो, इसके लिए जो प्रयत्न किया है उसके लिए मैं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आप सबको धन्यवाद देता हूँ। नागपुर के जिले का पालन मंत्री स्थानीय भी आप सबको इस दान प्रक्रिया के लिए जो दान बौद्ध धर्म में अति महत्वपूर्ण समझा गया है उसके लिए इतना आप सबका इसके अतिरिक्त भारत के इस कोरोना विरुद्ध लड़ाई में थाईलैंड के पूज्य भदंत जयासारो एवं उनके उपासक तथा वैनिश मैडम जहां बौद्ध स्थल है जैसे बोधगया, राजगीर, नालंदा, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, नागपुर, औरंगाबाद के बुद्ध विहारों तथा हॉस्पिटल्स को एम्बुलेंस का दान देने वाले है। बौद्ध धर्म में दान प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण समझी जाती है और मुझे मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर हर्षदीप कामले हमारे प्रधान सचिव उद्योग विभाग के और उनकी सुविद्ध पत्नी जिन्होंने थाईलैंड से यह ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मंगाकर यहाँ पर दान करवाया है और कुछ एम्बुलेंसेस भी वे मंगाने वाले ऐसा मैंने सुना है।
निश्चित रूप से उनका जो भी मदद सहाय हमको प्राप्त हुआ है उसके लिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से और जिले का पालक मंत्री इस नाते से मैं उनको आभार व्यक्त करना चाहूँगा। रोजाना वैनिज कामले एवं डॉक्टर हर्षदीप कामले इनके सामाजिक तथा धम्म कार्य के संबंध में महाराष्ट्र के अधिकांश लोग जानते हैं। संकट के समय कामले दंपत्ति की दानवृत्ति प्रत्येक बौद्ध जन ने आदर्श लेने जैसी है। यह कुशल कम्म मतलब धम्म का आचरण कैसा हो इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। तथागत बुद्ध ने जिन 10 पारमिताओं का पालन करने के लिए कहा है उनमें दान पारमिता बड़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ प्रतित्य समुत्पाद के तत्वानुसार समूचा संसार एक दूसरे पर निर्भर है। यह समय एक दूसरे की मदद करने वाला समय है। बुद्ध विचार तथा आचरण से दान पारमिता का पालन करे इसके जैसा कोई दूसरा कुशल कम नहीं। यही संदेश आदर्श बुद्धिस्ट कामले दंपत्ति दे रहे हैं। हम भी सभी बढ़ चढ़कर एक दूसरे की मदद करें और ऐसे ही कुशल कम कर तथागत को वंदन करें। यही विनती है, निवेदन है, अनुरोध है।